नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में स्वतंत्रता सेनानी कौशल कुमार ठाकुर मेमोरियल 13वीं झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 23 दिसंबर को गढ़वा में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिला से 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस प्रतियोगिता का गढ़वा में ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। मौके पर झारखंड राज्य एथलीट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सीडी सिंह ने बताया कि गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर तथा गढ़वा जिला के आयोजन समिति के प्रयास से गढ़वा में इस प्रतियोगिता का काफी भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से करीब 1000 से 1200 के बीच खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें अधिक से अधिक खिलाड़ियों का प्रवेश हो सके, ग्रामीण क्षेत्र के भी खिलाड़ी भाग ले सकें। इसके लिए प्रतियोगिता में ऑनलाइन एवं ओपन एंट्री की भी व्यवस्था की गई है। इसी प्रतियोगिता के आधार पर झारखंड राज्य टीम का चयन किया जाएगा। इसमें चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। गढ़वा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की अध्यक्ष एस के पांडे ने कहा कि एकीकृत बिहार से अब तक के इतिहास में झारखंड में पहली बार क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का इतना भव्य आयोजन गढ़वा में किया जा रहा है। इसे सबसे अधिक संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग मिलाकर 10 ग्रुप में आयोजित की जाएगी। रेस के दौरान मेडिकल टीम, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था रहेगी। कन्या मध्य विद्यालय के मैदान से दौड़ प्रारंभ की जाएगी, जो रंका मोड़ टंडवा होते हुए 5 किलोमीटर का लूप रखा गया है। इस दौरान ट्रैफिक सुरक्षा एवं पारदर्शिता की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं गढ़वा जिला आयोजन समिति का धन्यवाद दिया। गढ़वा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव आलोक मिश्रा ने कहा कि खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य से आए हुए सभी खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों के रहने खाने आदि की भी काफी बेहतर व्यवस्था की गई है। इस प्रतियोगिता के आयोजन एवं खिलाड़ियों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था पूरे राज्य के लिए अनुकरणीय होगा। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष नसीम अख्तर, उपाध्यक्ष गुड्डू सिंह, मदनी खान, कंचन साहू, उदय नारायण तिवारी, गढ़वा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक, झारखंड एथलीट्स संघ के तकनीकी पदाधिकारी अनवर हुसैन, अशोक भट्टाचार्य, राकेश सिंह, मोहम्मद कमरुद्दीन, जैनुल कुरैशी, राजेश कौल, सागर घासी, राजकमल तिवारी आदि लोग भी उपस्थित थे। सबसे पहले आज सुबह से खिलाड़ी आना शुरू हो जाएंगे। उनको रजिस्ट्रेशन तो पहले किया जाता है, लेकिन इतने दूर दूर से आ रहे हैं कि पहले उनको हम ट्रांसपोर्टिंग कर एकोमोडेशन में ले जाएंगे। उसके बाद उनको 11 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए लाएंगे, जहाँ एज वेरिफिकेशन होगा। जो खिलाड़ी छटेंगे वो तो दौड़ नहीं पाएंगे, मगर उनको रहने और खाने की पूरी व्यवस्था हम लोग देंगे। ठंड के मौसम के अनुसार जो भी उनको जरूरत है, गद्दा कंबल सारा व्यवस्था देंगे। लेकिन अगर टेक्निकल टीम उनको छांट देती है तो वो खेल नहीं पाएंगे। 6 बजे का टाइमिंग हम लोग रखे हैं। अभी देख रहे हैं गढ़वा की ठंड किस स्थिति में है। जैसा टेक्निकल टीम बोलेगी 6 बजे 7 बजे, उसके अनुसार हम लोग 1 घंटा का डिफरेंस हो सकता है। और इवेंट चालू होने के बाद 4 घंटे के बाद हम लोग 11 बजे का क्लोजिंग टाइम रखे हैं गर्ल्स मिडिल स्कूल में। वहीं पर माननीय मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय, डीडीसी महोदय, सारे लोग रहेंगे। सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के बीच हमारे टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के टीम लीडर हमारे बड़े भाई और हमारे एथलेटिक संघ के अध्यक्ष, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव, भारतीय एथलेटिक संघ के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक जी का कल 5 बजे शाम में आगमन हो रहा है। इनका हम लोग गढ़वा में भव्य स्वागत करेंगे। उद्घाटन कौन करेंगे और समापन? उद्घाटन भी हमारे मंत्री जी ही करेंगे और समापन भी वहीं करेंगे। इसलिए उनकी जब उन्होंने रांची में वाक रेस के लिए, इंटरनेशनल वाक रेस में जब प्राइज वितरण के लिए उनको हम लोगों ने बुलाया, उन्होंने टाइम दिया और वहाँ टाइम से आए। और जब रांची से 4 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए वहाँ से वाकरेस से टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो उनके अंदर क्या हम लोगों को ऐसा महसूस लगा कि उनके अंदर एक ऊर्जा जगी। वहीं पर उन्होंने खेलो गढ़वा का एक दिमाग सेटअप किया और उन्होंने मन से वहीं घोषणा किया कि अगला
एथलेटिक्स का कोई भी राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा वो गढ़वा में होगा। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला कि अगला पहला आयोजन क्रॉस कंट्री का है, जिन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बोला कि वो आयोजन गढ़वा में भव्य रूप से हमारे गढ़वा जिला ओलंपिक संघ, गढ़वा जिला एथलेटिक्स संघ और विभिन्न खेल संघों से जुड़े हुए और सोशल एक्टिविटी करने वाले सारे लोग एक साथ मिलके इस आयोजन को हम लोग सफल कर रहे हैं। प्रतियोगिता दौड़ होती है, इसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं और ये विभिन्न डिस्टेंस में किया गया है। AFI के अनुसार मेन वुमेन मतलब बालक बालिका और के लिए अलग अलग डिस्टेंस तय किए गए हैं। ये इसको रोड रेस भी कहा जाता है और ये रोड पर ही किया जा सकता है। अब पूछेंगे कि आप स्टेडियम में क्यों नहीं होता है, तो स्टेडियम का अगर हम लोग करेंगे तो उसका चाहे जितना भी चक्कर लगा रहे उसको हम लोग मीटर में काउंट करते हैं और रोड पर करते हैं तो हम लोग किलोमीटर में काउंट करते हैं। यही है तो क्रॉस कंट्री हम लोग और नेशनल क्रॉस कंट्री में थोड़ा सा कभी कभी रूट को डिफिकल्ट भी बनाया जाता है, लेकिन ये सब जगह संभव नहीं है। तो यहाँ पर ही अंडर 14 अंडर 16 में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर विभिन्न आयु वर्ग में होता है। अप एंड डाउन हम लोग लुक करते हैं कि अगर 10 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर पर हम लोग टर्निंग रखते हैं। इसमें स्पॉन्जिंग बूथ होता है, स्पॉन्जिंग बूथ में चूंकि डिस्टेंस में दौड़ते हैं बच्चे तो वहाँ हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ भी कल देखेंगे पानी व्यवस्था होगा, कुछ फ्रूट्स होगा, कुछ ड्रिंक्स होगा, ये सब जाएँ बच्चे अपना लें दौड़ें, उसी में उनको टाइम भी मेकअप करना है और इसीलिए क्रॉस कंट्री रेस का इसका नाम दिया गया है। सारी तैयारी हो चुकी हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो इस मीट को इस चैंपियनशिप को संपन्न कराने आ गए हैं, हमारे झारखंड स्टेट टेक्निकल कमेटी के जो कन्वीनर हैं अनवर हुसैन जी आ गए हैं, हमारे इंटरनेशनल IAAF लेवल 1 जो है अशोक भट्टाचार्य जी आ चुके हैं, हमारे सबसे अनुभवी टेक्निकल ऑफिसर राकेश सिंह जी आ गए हैं, उनकी पूरी टीम 11 आदमी की टीम चलती है, वो किसी भी प्रतियोगिता को संपन्न कराती है और उनका सहयोग गढ़वा जिला में जितने भी राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो तकनीकी पदाधिकारी हैं उनका समूह लेकर के कम से कम 35-40 आदमियों का कल टेक्निकल ग्रुप रहेगा और इस प्रतियोगिता को संपन्न सुचारू रूप से कराएगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसी बात नहीं है कि गढ़वा जिला में प्रतियोगिता राज्य स्तरीय नहीं होती थी, होती थी लेकिन फुटबॉल का हुआ, क्रिकेट का हुआ और बाकी डिसिप्लिन के राज्य स्तरीय होते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास में ये पहली बार है ना गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में आयोजन स्टेट का हो रहा है, वो भी क्रॉस कंट्री का। और इसमें हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का ये पूर्ण ये था विश्वास था कि हम गढ़वा जिला में लेंगे और इसको सफलतापूर्वक करेंगे। पिछले बार जो रांची में रेस वॉकिंग हुआ था अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रेस वॉकिंग, उसमें ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और ये लिए थे कि आप हमें गढ़वा जिला में क्रॉस कंट्री आयोजन के लिए दे दो, हम करवाएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि ये पूरे गढ़वा जिला में उनके नेतृत्व में उनके पूरे रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा झारखंड। उम्र थकान नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।